नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे लास्ट दिन में, 21वें दिन में। हमारा 21 दिन का जो टास्क था हैबिट क्रिएशन का, वो आज कंप्लीट हो गया है और 21 दिन मैंने कंप्लीट कर लिए, मैंने खुद कंप्लीट कर लिए हैं। आप पता नहीं कौन से स्टेप पर हो या अभी स्टेप लेना शुरू ही नहीं किया। आज का जो वर्कआउट था मेरा वो रनिंग थी, क्योंकि रनिंग ही मेन फोकस था 21 दिन में मेरा। हैबिट क्रिएट करनी थी मुझे रनिंग की, बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हुई तो मुझे रनिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ी, उसकी कंडीशनिंग के लिए, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ा। और आज ऑलमोस्ट 2.5 से मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक मैंने रनिंग बिना रुके अच्छे से कर ली अपने नॉर्मल कंफर्टेबल पेस पर। पेस मैंने बीच में बढ़ा दिया था, लेकिन अभी मुझे जानने को मिला कि ज़्यादा अभी पहले एक दो महीना भागना, तेज भी नहीं भागना, लंबा भागने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी प्रॉपर फॉर्म को ठीक करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पेस को डाउन किया है, 7-8 मिनट में 1 किलोमीटर का पेस रखते हुए ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आज मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये तो मेरी 21 दिन की यात्रा थी और हैबिट मेरी क्रिएट एक्सरसाइज की मैं पहले से ही क्रिएट कर चुका हूँ। तो ताकि आप सबको भी हेल्प मिले, इसलिए हर रोज़ मैं एक एक वीडियो बना के 21 दिन तक डालने का मेरा पर्पज़ था, ताकि एक कहीं ना कहीं कोई पॉइंट समझ में आ जाए। कभी किसी के जीवन में कोई छोटा सा विचार भी एक क्रांति कर सकता है, छोटी सी आदत भी क्रांति कर सकती है। लर्निंग जो सीखने के लिए थी, रनिंग में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो डेली मैंने बताया भी है आप सबको। आज लास्ट दिन है हमारी हैबिट का, तो आज मैं जो बताना चाहूँगा वो हैबिट के बारे में ही बताना चाहूँगा। एक्चुअल में मुझे हैबिट के बारे में जो ज़्यादा सीखने को मिला, दो बुक्स आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ, एक तो पावर ऑफ हैबिट और एक एटॉमिक हैबिट। ये दो बुक आप पढ़ें, एक और बुक है स्मॉल हैबिट, ये तीन बुक आप पढ़ सकते हैं हैबिट से रिलेटेड, जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी और मुझे बहुत जो हैबिट की पावर है उसके बारे में समझ में आया। हमारा पूरा जीवन आदतों से ही चला हुआ है, हमारा माइंड हर चीज़ को इजी बनाने के लिए उसको अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर देता है। उसका मतलब हर रोज़ हम सेम चीज़, मान लीजिए मैंने रनिंग करना शुरू किया आज, तो धीरे धीरे आज मैंने उस रनिंग में मेरी मान लीजिए 200 कैलोरी बर्न हुई, तो कल माइंड उसको इजी करने के लिए याद कर लेगा, उसको मैपिंग कर देगा, एक रास्ता बना देगा ताकि कल थोड़ी कम कैलोरीज बर्न हो, परसों थोड़ी और कम कैलोरीज बर्न हो। ऐसे ही हर चीज़ को इजी करने के लिए आप घर से ऑफिस तक जाते हैं, एक रास्ता, एक मैप आपके माइंड में तैयार हो जाता है। पहले दिन आपका एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड ईजी बना देता है। तो माइंड का जो इजी बनाने के प्रोसेस को धीरे धीरे एक मैप क्रिएट हो जाता है उसमें, और वही हमारी हैबिट बन जाती है। फिर वो अनकॉन्शियसली हम कुछ और करते करते भी उस काम को कर सकते हैं, एक आदत में वो एक माइंड सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाती है, उसी को हम हैबिट कहते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम हर चीज़ जो डेली रूटीन के हम काम करते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, सब आदत ही है। वो पूरा जीवन आदतों से ही चला हुआ है। आज जो भी हैं हम, मोटे हैं, पतले हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं, जैसे भी हैं, सब हमारी आदत की वजह से ही हैं। किसी भी चीज़ को, किसी सेकेंड चीज़ का कोई रोल ही नहीं है, आपका ही रोल है, आप ही जिम्मेदार हैं। इस कड़वे सच को समझ लीजिए और आप ही इसको बदल सकते हैं। अच्छे हैं तो भी आप खुद की वजह से हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट है तो भी आपके खुद की वजह से ही है। हैबिट को क्रिएट करने के लिए सबसे मेन तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कोई भी हैबिट क्रिएट करना। सबसे पहली चीज़ तो उसको हर रोज़ करना, ये सबसे मेन है कि उसको हर रोज़ करना शुरू करो, उस काम को हर रोज़ करना शुरू करो। दूसरा, उस चीज़ का एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करो। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो अपने आसपास एक्सरसाइज का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ताकि आप तुरंत कर सकें। अपने मैट को पास रखें, अपने जूते, चप्पल, कपड़े, जैसे जो भी आप पहनते हो, अपने पास रखें। ऐसा ना हो कि आपको कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़े, कभी एक्सरसाइज के आपके माइंड में आ जाए तो 2 मिनट में ही आप तैयार हो जाओ। ऐसा सिस्टम अपने आसपास उसको एक्सेसिबल बनाओ, अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ताकि माइंड भी प्रोग्राम हो और जब आपको एक्सरसाइज करने का मन हो तो वो चीज़ आप फॉलो कर सको, तुरंत आपको वो चीज़ मिल जाए। दूसरा, और एनवायरनमेंट में ये चीज़ भी नोट करें, जब मान लीजिए अभी हम आगे ईटिंग हैबिट को ठीक करेंगे, तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट, आप अपने फ्रिज में जंक भर के रखेंगे, अपने
किचन में जंक भर के रखेंगे तो आप खाएंगे ही खाएंगे, लिख लीजिए इस बात को। आप वैसी चीज़ें बाय करना ही छोड़ दें, फ्यूचर में कभी खाएंगे नहीं खाएंगे। अगर आपको वो चीज़ खाने के लिए, आपको अगर स्वीट खानी है तो आप दुकान से लेने जाओगे तो उसके उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नहीं लेके आओगे और नहीं खाओगे। लेकिन अगर आपके सामने रखी है डब्बे में, फ्रिज में रखी है, किचन में रखी है, तो आप तुरंत निकाल के उसको खा लोगे। नहीं भी मन होगा तो देखते ही मन कर जाएगा, वो हैबिट ट्रिगर हो जाएगी आपकी मीठा खाने की और आप उस चीज़ को खा लोगे। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जो चीज़ें नहीं चाहिए आपकी हैबिट में उनसे क्लीन रखो, और जो चीज़ें चाहिए आपको वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में होनी ज़रूरी है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने वाई को क्लियर करें कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है। उस प्रोसेस को करने में, मान लो रनिंग करनी है तो क्यों करनी है, वेट लूज करना है, पतला होना है, अच्छा दिखना है, स्टेमिना गेन करना है, एंड्योरेंस गेन करना है, क्या करना है उसके लिए आपको, या कोई चैम्पियनशिप जीतनी है। ऐसे ही अपने एक्सरसाइज के रूटीन के लिए, अपने डाइट के रूटीन के लिए जो भी अच्छी हैबिट है वो आपको क्यों करनी है, वो एक बार उसमें समय लगाएं और अपने आप को वजह दें, अच्छी सी जेन्युइन वजह दें कि इस कारण मुझे ये करनी है। वाई क्लियर होगा और वो जो प्रोसेस है, वाई क्लियर होते होते आप उस चीज़ में डीप जा पाएंगे, लंबा जा पाएंगे, उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। वाई माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप ज़्यादा दिन रूटीन किसी के मेरे बोलने से या किसी के बोलने से या खुद मोटिवेट हो गए कभी, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन एक बूस्ट तो कर सकता है आपको, लेकिन जो लॉन्ग रन में लेके जाएगा वो आपके अंदर वाई जो क्लियरिटी है, मेंटल क्लियरिटी है, वो आपको लॉन्ग रन में उस हैबिट को कंटिन्यू रखने में मदद करेगी। कोई भी हैबिट आपको हर रोज़ करने से बोर हो जाते हैं आप, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। सेकंड पार्ट ही है, मतलब ये वाई करो तो साथ साथ जब उसको आप फॉलो करना शुरू करो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो, उसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि वो प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा आपको लगे, बोरिंग ना हो। कोई भी लॉन्ग रन में कोई भी प्रोसेस करते करते बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें कुछ, जैसे मैंने रनिंग को थोड़ा इंटरवल में किया, कभी रन फास्ट स्पीड रन किया, कभी शॉर्ट रन किया, कभी लॉन्ग रन किया, कभी रनिंग करी नहीं, रनिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज कर ली, तो ऐसे मल्टीपल डायरेक्शन में उसके साथ खेलें और उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें। थर्ड जो स्टेप है वो है रिवॉर्ड, अपने आप को उस चीज़ का इनाम दें। लेकिन इनाम ऐसा ना हो जिसका नुकसान हो, इनाम ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे और आपका आपको उस चीज़ का फ़ायदा भी हो। जैसे मान लीजिए मैंने रनिंग की, मैंने एक चैलेंज रखा कि 21 डेज तक मैं रेगुलर रनिंग करूँगा, उसके बाद मैं कोई अच्छे रनिंग शूज़ लेके आऊँगा खुद के लिए, मैंने रिवार्ड दिया। ऐसा कोई भी कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा रिवार्ड अपने लिए रखें ताकि आपके माइंड को एक हार्मोन और गुड हार्मोन फील गुड आपको लगे, गुड हार्मोन आपके माइंड में रिलीज हो और आपके मन को अच्छा लगे और भी वैसे काम करने के लिए प्रेरित हों आप। होता ना, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम इनाम देते हैं और डॉगीज़ को और बड़े बड़े और जानवरों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी साथ साथ में रिवॉर्ड देते रहते, तो वो चीज़ें लर्न कर जाते हैं। तो जब जानवर रिवॉर्ड से सीख जाते हैं तो हम भी सीख जाएंगे, हमारी भी हैबिट क्रिएट होगी। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड अपने आप को देना शुरू करें। एक टारगेट दे दीजिए, एक वीक का टारगेट दे दीजिए, उसके बाद खुद को कुछ रिवॉर्ड दीजिए। लेकिन ऐसा रिवॉर्ड ना हो, रिवॉर्ड नुकसान वाला ना हो, आपको बर्बाद करने वाला रिवॉर्ड ना हो, कि मान लो एक हफ्ता आपने एक्सरसाइज की है, आपने फिर खुद को फास्ट फूड खाने का रिवॉर्ड दे दिया, ऐसा रिवॉर्ड ना हो। हेल्दी रिवॉर्ड दीजिए जो आपके लिए बेनिफिट करें। इन तीन चीज़ें आप हैबिट क्रिएट करने में मदद आपकी कर सकती हैं। उसके अलावा हैबिट के बारे में आप ये जान सकते हैं कि हैबिट को जो पुरानी से पुरानी आदतें हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या आदत है क्या नहीं है, तो पहले उन चीज़ों को नोट कर लें और जो आपके लाइफ में नहीं चाहिए आपको, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं आदतें, उनको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करें। आदत को बदलना मुश्किल है, मतलब रिप्लेस करना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। अगर मैं मान लो किसी को चाय पीने की आदत है, उस चाय को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर रिप्लेस करने के लिए कहें तो वो आसान है। तो रिप्लेस इजीली की जा सकती है आदत। तो आप जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको हेल्दी हैबिट्स के थ्रू
रिप्लेस करें, उनसे बदल दें उसको, ताकि जीवन में जो परिवर्तन, जो नेगेटिव इफेक्ट है उनका, वो कम हो और कुछ हैबिट पॉजिटिव पॉइंट आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाए। छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स के ऊपर काम करें, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने के ऊपर काम करें, एक हैबिट पकड़ें एक बार में। अगर आपने एक कंप्लीट कर दी तो फिर सेकंड हैबिट पकड़ें, फिर थर्ड हैबिट पकड़ें। एक मेन हैबिट के साथ छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स को यूज कर सकते हैं। स्मॉल हैबिट की भी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। किसी मेन हैबिट के साथ साथ स्मॉल हैबिट को भी आप ऐड कर सकते हैं, और छोटी छोटी हैबिट उनका, वो पूरा दिन में, वो छोटी हैबिट इतनी छोटी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। एक बड़ी हैबिट रखो, उसके साथ एक दो छोटी छोटी हैबिट साथ साथ में चलने, तो धीरे 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 लाइफ चेंज होनी शुरू होगी, माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने लिए बना के रखना पड़ेगा। कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो शुरुआत में हो सकता है बोरिंग हो, शुरुआत में हो सकता है टफ हो, वो होगा ही, वो सबके लिए ही होता है। अगर आप, हम क्या करते हैं, मेरी रनिंग में भी मुझे ऐसा टाइम आया मुझे लगने लगा कि मैं जो भाग रहा हूँ उसमें काफ़ी पेन होता था लेग्स में, तो मुझे लगता था कि मेरे शूज़ ठीक नहीं हैं, कभी लगता था कि ट्रैक ठीक नहीं है, मतलब मैं खुद को छोड़ के बाकी चीज़ों की गलतियाँ देख रहा था उस टाइम पर। लेकिन मैंने सेल्फ एनालाइज़ किया, एक्सपर्ट से सजेशंस लिए किसी से, और फिर मैंने जाना कि वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो प्रॉब्लम सारी सिर्फ मेरे माइंड की प्रॉब्लम है। मेरा माइंड उस चीज़ को छोड़ना चाह रहा है, इसलिए वो रनिंग ट्रैक को ख़राब बता रहा है, कभी शूज़ ठीक नहीं बता रहा। इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बेसिक लेवल पर आप कुछ भी नॉर्मल शूज़ पहन के भी भाग सकते, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी नीयत होनी ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम कोई जिम ज्वाइन कर लिया तो शुरू में हम लगातार जाएंगे, फिर हमें कोई ट्रेनर में कमी लगनी शुरू हो जाएगी, कभी जिम खराब होना लगना शुरू हो जाएगा, कभी उसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं लगनी शुरू होंगी। वो हमारे माइंड के एक्सक्यूज़ है, वो माइंड हमारा गेम खेल रहा है हमारे साथ, ताकि हम उस चीज़ को छोड़ दें। फिर वही चीज़ बार 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 हर चीज़ में रिपीट होती है। एक हैबिट क्रिएट करने का आर्ट आपको आ गया तो आप 10 हैबिट क्रिएट कर लेंगे। एक एक्सरसाइज की कर ली, उसके बाद खान पान की कर ली, आहार डाइट को चेंज करना और एक्सरसाइज रूटीन शुरू करना, ये दो हैबिट ऐसी हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके पूरे दिनचर्या में, पूरे लाइफस्टाइल में, आपके जो भी दिन, बाकी दिन का जीवन है, वो पूरा प्रभावित होता है। ये मेजर हैबिट्स हैं, इनको क्रिएट करने के ऊपर मेरा जोर ज़्यादा इसलिए रहता है। मान लीजिए आपको ऐसा काम करना शुरू करें जो सिर्फ आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशनल लेवल पर ठीक रहे या आपके फैमिली लेवल पर ठीक रहे, लेकिन एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट, गुड ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, ये आपके हर लेवल के ऊपर आपको इफ़ेक्ट करेगा, हर लेवल पर आपको अप करेगा। पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पहले से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ, हर लेवल पर ये काम करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज और रनिंग, इसमें एक्सरसाइज और ईटिंग, हेल्दी ईटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बार बार इसी के बारे में बात करता हूँ। और दूसरा, हम बॉडी से कनेक्टेड हैं, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपके पास कितना ही आप बड़ा बिजनेस बना लो, कितना ही सक्सेसफुल हो जाओ, वो किसी काम का नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, पहला सुख निरोगी काया का जो सिद्धांत है वो जरूरी है। उसके बिना, इस शरीर से ही तो हमने पूरा संसार भोगना है। हम कितने आध्यात्मिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने ज्ञानी हैं, चाहे कितने ही मास्टरमाइंड हैं, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो किसी काम का नहीं है। सब धरे का धरा रह जाएगा, सब रखे का रखा रह जाएगा, वो नॉलेज किसी काम की नहीं होगी, वो सिर्फ बातें ही हो जाएंगी। अगर शरीर स्वस्थ है और किसी मामले में आपके क्राइसिस चले हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओवरकम कर जाओगे उसको और जल्दी आप उससे रिकवर कर जाओगे, उससे निकल पाओगे। शरीर, माइंड, बॉडी सब आपके लाइन हैं, प्रॉपर ठीक हैं, तो आप हर मुसीबत से भी निकल सकते हो। अगर शरीर ठीक नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो सक्सेसफुल, आपकी टॉक्सिक सक्सेसफुल हो जाएगी। वैसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए शरीर से शुरू करें, भोजन से शुरू करें। अब आगे आने वाले दिनों में हम भोजन का रूटीन बनाएंगे, डाइट प्लान कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा 21 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने कंप्लीट किया है उनको मुबारक हो, उनके लिए बहुत ही बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो भी शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, कल कभी नहीं आएगा, सोमवार कभी नहीं आएगा, एक तारीख कभी नहीं आएगी, वो हमेशा आज के रूप में ही आते हैं। तो आज से ही शुरू करें, जब इस वीडियो को देख लें, जब ही से शुरू करें, जब समझ में आ जाए। वो जो सिद्धांत है, मान लो एक्सरसाइज करने का भी मन हुआ,
आपको लगता है कि सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, खाने के बाद करनी चाहिए, वो तो बाद में होंगे। पहले उस बेड से उठ के उस मैट तक पहुँचो, तो उस ग्राउंड तक पहुँचो, तो उस जगह तक पहुँचो, तो वो तो बाद में शुरू होते हैं। एक स्टेप आप अगर आपका मन कर गया कि एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है, तो मैंने क्या किया था, काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज छूटी हुई थी, एक दो महीने पहले की बात है, तो मुझे लगा कि दोबारा से रूटीन शुरू करना चाहिए, क्योंकि क्लासेस काफ़ी थी तो बीच में छूट गई थी एक्सरसाइज खुद की करनी। तो मैंने क्या किया, 5 मिनट एक्सरसाइज जो सबसे आसान लगी थी वो 5 मिनट उसी टाइम पर विचार आते ही मैंने कर दी, चाहे 10-20 पुशअप्स कर दिए, सूर्य नमस्कार कर दिए, जो भी मेरे को समझ में आया वो कर दी। अगले दिन भी उसी टाइम पर या जब भी मन में दिमाग में आया तुरंत कर दी। 2-3 दिन करते ही अपने आप एक रूटीन शुरू हो गया। धीरे 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 जो मैं पहले रूटीन फॉलो करता था 1-1 घंटे की, वो सारा दोबारा से शुरू हो गया। धीरे धीरे जो लेवल थोड़ा सा लो हो गया था, मतलब बिगनिंग में पहुंच गया था, जीरो पर पहुंच गया था, वो 10-15 दिन में वापस गेन कर लिया, सब ठीक रहा। करी हुई मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी। यह नहीं समझना कि अभी छोड़ दिया तो फिर जीरो से तो शुरू करना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्रेस आपकी फास्ट हो जाएगी अगर आपने पहले की हुई है तो। अगर नहीं की हुई तो फिर आपको जीरो से ही काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी ना करें, कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हैं वहीं से शुरू करें, अपने कंफर्ट लेवल पर ही शुरू करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत इम्प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें, मान लीजिए मेरे को रनिंग मेरे से 2 किलोमीटर नहीं होती और मैं टारगेट रख लूँ मैराथन दौड़ने का, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ऐसे गोल भी ऐसे चुने जो थोड़े प्रैक्टिकल हों, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करे कि हाँ इतना तो आप कर ही लोगे इतने टाइम में, वैसे गोल रखें, फिर उस गोल की तरफ बढ़ें। और वही जैसे गीता में लिखा है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, एक बार आपने सोच लिया कि इस लेवल पर पहुंचना है, उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद सारा ध्यान प्रोसेस में लगा दिया, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता से करने में लगा दिया सारा ध्यान, ना कि फल की इच्छा के ऊपर कि कब वेट कम होगा, कब हम पतले होंगे, कब ये बीमारी ठीक होगी, कब हैबिट बने, नहीं, रिजल्ट के ऊपर नहीं सोचना। एक बार गोल सेट कर दिया, फिर प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे देना है आपने, और इस चीज़ को धीरे 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 करते करते आप उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो आपने सोचा था। अगर रिजल्ट के ऊपर आपका माइंड रहा तो आप प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट बहुत दूर है। अभी हर रोज़ वेट चेक करेंगे, कभी 100 ग्राम कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, वो रिजल्ट हर रोज़ चेक करते करते बोर हो जाएंगे, फिर प्रोसेस को 90% चांस यही है कि बीच में ही छोड़ देंगे आप। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा ना करें, आप कर्मों को कुशलता से करने के ऊपर ध्यान देंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। आप अपने आप अपना 110% देना शुरू करें, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम देना शुरू करें, लेकिन समझ बूझ के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते चले जाएं। कभी एक्सरसाइज करने का मन ना हो तो धीरे कर लें, कम कर लें, लेकिन जाएं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ 21 दिन में कि मेरा मन नहीं था, थका हुआ था, एक्सरसाइज नहीं करने का मन था, लेकिन मैं मैट के ऊपर गया, वहाँ मैंने चाहे स्ट्रेचिंग की, चाहे फोम रोलिंग की, चाहे रिलैक्सेशन किया, मेडिटेशन किया, जो कुछ भी किया। अगर मुझे पार्क में जाना है और मेरे लेग्स में पेन है, रनिंग का मन नहीं है, तो वहाँ जाके मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, वो मैंने जाना नहीं छोड़ा, तब जाके वो हैबिट बिल्ड होगी। और एक बार हैबिट बिल्ड हो जाए तो फिर उसको छोड़ना जितना बनाना मुश्किल है, उतना ही छोड़ना भी मुश्किल है। उस टाइम पर आपकी बॉडी डिमांड करेगी, उसके जगह अगर आपने कुछ और उठपटांग शुरू कर दिया तो बेसिक, अगर उस टाइम पर आप रहे खाली अपने आप, आपका आपकी बॉडी डिमांड करेगी एक्सरसाइज की, आपको पता चलेगा कि हाँ आज बॉडी डिमांड कर रही है। लेकिन फिर अगर छूट गई, कुछ और रिप्लेस कर दिया आपने हैबिट, उस टाइम पर आप कुछ और काम में बिजी हो गए, तो फिर वो हैबिट रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है छोड़ने की बजाय। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, अपनी आदतों के ऊपर काम करें, जो चीज़ें हैं एक लिस्ट बना लें, कौन सी हैबिट चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करें। एजुकेशन कोई स्कूल में जाके ही नहीं पढ़ी जाती, एजुकेशन सारी उम्र नई नई चीज़ें सीखना ही एजुकेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो भी प्रोसेस रहेगा डाइट का उसको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, और कैसे हम फॉलो करेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिन्होंने फॉलो किया उनको फिर से मुबारकबाद, उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।